और अच्छे से कर लेती हूँ मिक्स। तो दोस्तों ये देखिए हमारा उपमा एकदम बढ़िया से बन के रेडी हो गया है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आप लोगों को स्वागत है अर्चना किचन कानपुर में। तो आज हम बना रहे हैं सूजी का उपमा। तो आप देख सकते हैं यहाँ मैंने आधी कटोरी सूजी ली हुई है और थोड़ी सी मैंने चने की दाल ली है और मैं अब सूजी को अच्छे से भूंज लूँगी। तो यहाँ मेरी अच्छे से कढ़ाई मैंने चढ़ा दी थी और मैं अब डालूँगी इसमें थोड़ा सा रिफाइंड। रिफाइंड मेरा अच्छे से गरम हो जाए। तो दोस्तों कढ़ाई तेल हमारा अच्छे से गरम हो चुका है तो मैं अब डाल देती हूँ सूजी और सूजी को मैं 2-3 मिनट तक तेज़ आंच पे पका लेती हूँ, इसको ब्राउन होने तक तनक भूंज लूँगी। सुबह सुबह बनाइएगा, बहुत अच्छी बनती है उपमा। बच्चे को लंच में भी आप रख सकते हैं और वैसे भी नाश्ते में भी बना सकते हैं, बहुत अच्छी बनती है। एकदम बढ़िया से उपमा आप बना सकते हैं, बिल्कुल आसान है बनाना। तो दोस्तों आप देख सकते हैं सूजी हमारी अच्छे से ब्राउन होने लगी है और मैं गैस को कर देती हूँ धीम। तो मेरी अच्छे से एकदम सूजी ब्राउन हो चुकी है और गैस मैंने बंद कर दी है और सूजी को मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। तो दोस्तों सूजी मैंने अच्छे से भूंज ली है और आप देख सकते हैं बढ़िया से भूंज गई है सूजी मेरी, तो मैंने एक प्लेट में निकाल ली है। तो दोस्तों कढ़ाई हमारी पहले से गर्म थी तो मैं फिर से डाल देती हूँ रिफाइंड। आप चाहें तो घी से बना सकते हैं, घी से बनाइएगा तो और ज़्यादा अच्छी बनती है और रिफाइंड से भी अच्छी बन जाती है। आपके पास घी नहीं है तो घी से नहीं बनाइएगा, रिफाइंड से बना लीजिए। तो कढ़ाई मेरी अच्छे से गर्म हो गई है, तेल भी अच्छे से गर्म हो गया है, तो मैं अब डाल देती हूँ चने की दाल। दाल को भी मैं थोड़ा सा हल्की से भूंज लेती हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं दाल हमारी अच्छे से एकदम ब्राउन हो गई है और मैं निकाल लेती हूँ एक कटोरी में। तो यहाँ मैंने प्याज और हरी मिर्च काटी हुई है और दोस्तों मेरे पास सरसों नहीं है तो मैं सरसों नहीं डाल रही हूँ, आपके पास हो तो आप सरसों डाल सकती हैं। तो मैं अब डाल देती हूँ प्याज और हरी मिर्च और 3-4 कड़ी पत्ते हैं वो भी मैं डाल देती हूँ और इनको अच्छे से पका लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं प्याज मेरा अच्छे से पक गया है और मैं अब डाल देती हूँ सूजी और जो मैंने दाल निकाली थी वो भी, और अच्छे से कर लेती हूँ मिक्स। तो दोस्तों मैंने जिस कटोरी से सूजी ली थी उसी कटोरी से पानी डालूंगी, एक कटोरी, और मैं 2 कटोरी पानी डालूंगी और अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। और मैं अब डाल देती हूँ नमक, स्वाद अनुसार मैंने डाल दिया है नमक और मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ और 2-3 मिनट तक पका लेती हूँ, बन जाएगा। तो दोस्तों ये देखिए हमारा उपमा एकदम बढ़िया से बन के रेडी हो गया है और मैंने 1.5 कटोरी पानी डाला था और 2.5 कटोरी में, मतलब बीच बीच में मैं चलाती रही, आप भी चलाते रहना बीच बीच में। और मैंने धीमी आंच में पकाया है और कैसी लगी हमारी रेसिपी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिए। और कल मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, धन्यवाद।